सो गाइज अभी सुबह के 7:40 हो रहे हैं, तो अभी हम जम्मू घाटी में हैं। तो अभी भाई यहाँ पे बारिश हुई थी, तो यहाँ के नज़ारे देख लो भाई, एक नंबर। तो यार मतलब इस घाटी के ना नज़ारे देख लो भाई, मतलब कि एक नंबर है भाई। और ऊपर से बारिश और हो रही है, मतलब मौसम एक नंबर हो रखा है यहाँ पर। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सुबह के 8 बज रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं रास्ते में और देखते हैं कहीं पे खाने पीने का सामान और कुछ खाते हैं, रास्ते में कुछ खाएंगे और बनाएंगे। अभी 8:30 का टाइम हो रहा, तो यहाँ पर कहीं जगह देखकर अपना खाना पीने का सामान बनाते हैं और कुछ पेट पूजा हो जाएगी, तो फिर अपना कंटिन्यू करेंगे पहलगाम के लिए। तो कोई जगह सर्च कर रहे हैं यहाँ पर मिल जाए तो कोई अच्छी सी जगह। बारिश अभी बंद तो हुई है, तो देखते हैं आगे बारिश मिलती है या फिर जो भी होता है। यार इस वाले रोड पे तो मैं भी पहली बार आया हूँ, बाकी मेरे को ये जगह काफ़ी अच्छी लगी बारिश के मौसम पर। देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बादल जो है पहाड़ों पे उतरे पड़े हैं, बिल्कुल ग्रीनरी, इतना अच्छा मौसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। भाई बिल्कुल बादल जो हैं पहाड़ों पे उतरे हुए हैं इस टाइम। सो गाइस अभी हम यहाँ पर हैं, बाकी पता नहीं है कौन सी जगह है। हम अपना कुछ खाने पीने के लिए कुछ बना रहे हैं। अभी टाइम 9 के करीब हो चुका है, तो यहाँ पे अपना सामान वगैरह निकाल लिया हम, मैगी वगैरह बनाएंगे अपना। ये अपना तेल है, ये गैस सिलेंडर है, सारे बर्तन, अपनी गाड़ी हमने यहाँ पर खड़ी कर दी है रोड से बिल्कुल साइड में, एकदम सेफ साइड। बाकी यहाँ का नज़ारा देख लो भाई, जन्नत है, हकीकत में जन्नत है। हमने कोई ऐसी जगह चूज़ की है जहाँ पे हम अपना खाना वाना बना सकें, और वो सामने रेलवे ट्रैक है। तो अभी भाई अपना खाना वाना बनाते हैं। ये नीचे कोई सी नदी है, बाकी हमको भी पता नहीं है कौन सी कौन सी नहीं। ये यहाँ से वायर वगैरह लगा रखे खाना वगैरह पहुँचाने के लिए दूसरी साइड। तो अभी बनाते हैं अपना खाना। हमारी मैगी यहाँ पे बनने के लिए रखी गई है। यहाँ बारिश आ चुकी है, बारिश तो सुबह से ही आ रही है। खैर अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है, फिर अपना सारा सामान मैगी बन जाओ ना, बारिश बहुत तेज चल रही है।
जो भी था हमने बना रहे हैं बस ऐसे ही जो भी है। तो फिर भाई नज़ारे देखो हकीकत में, कैमरे में इतना दिख नहीं रहा और पता नहीं चल पा रहा है क्या नहीं है। बाकी भाई जो है ना, जो चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं और देख रहे हैं, देखो भाई वहाँ पे ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। मैंने बताया था यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है, वो जा रही है, ट्रेन जा रही है वहाँ से वो पूरा। भाई बाकी एक नंबर जगह है, एक नंबर बिल्कुल जिसे कहते हैं, मज़ा आ गया भाई हकीकत में। अगर कोई आए तो, अगर ऐसे टाइम पे कोई आ जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, एक नंबर। जो चीज़ हम देख पा रहे हैं वो शायद इस कैमरे में नोटिस नहीं हो पाएगी। तो गाइस अभी हमने खाना पीना भाई बादल उतरे पड़े हैं साक्षात धरती पर, ये तो नज़ारे हैं भाई, दिखा नहीं सकते यार, आँखों से देखने के, आँखों से देखने के, कैमरे में देखने के नहीं कैमरे भाई, कैमरे में तो ऐसे सीनरी कैद ही नहीं भाई। ये तो मज़े हैं कश्मीर के भाई। देखो स्नोफॉल भी स्टार्ट है यहाँ पे, कश्मीर से स्टार्ट होती है, वरना तो गंडोला में जाके होती है। एक भाई ये जो टनल वगैरह बनी हुई है ना, इनसे बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। पहले यहाँ से जाया करते थे, ये है ओल्ड रोड, यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ता था, पूरे पहाड़ पर पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ता था। अभी ये ज़्यादातर यहाँ पर टनल्स बना दी गई हैं, तो इनसे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है और टाइम की बचत हुई है। तो चलो सरकार काम ही कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अभी हम थोड़ी बहुत देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, हमको भी काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते, बीच में ब्रेक वगैरह भी लिया था हमने, तो अभी हम चल ही रहे हैं। बाकी रास्ता भी कुछ ख़ास नहीं है यहाँ का, जाम भी बहुत था, ट्रैफिक वगैरह भी बहुत था रास्ते में, तो अभी कुछ खुला है जाम वगैरह, तो अभी हम चल रहे हैं रास्ते में, तो आपको पहुंचकर दिखाते हैं वहाँ पर।